बैठ जा बेटा। हेलो, आज दिन 27 अप्रैल 2022 श्री गोपाल कृष्ण जी और गीता रानी क्वात्रा के घर से मुरादाबाद से श्री कमल दयाल जी सत्संग। राधा स्वामी, राधा स्वामी, ये सौभाग्य है गोपाल जी का और गीता जी का, जिनको मैं बेटी कहता हूँ, कि उनकी कृपा से मैं आप बहनों के और माताओं के दर्शन कर रहा हूँ। मैं कोई कथा नहीं करता, मैं आपको कोई द्वापर की कथा सुनाऊँ, गतित युग की कथा सुनाऊँ, गीता ने क्या कहा, श्री रामायण में क्या लिखा, वो नहीं मेरे पास। मेरे पास आज की बात है, आज की जो अब हो रही है, जिसको जिसका मैं जिसका आपको ज्ञान देना चाहता हूँ। वो ज्ञान क्या है, ये लड़के ने गाया शब्द मेरे दाता दयाल, मेरे दादा गुरु का शब्द है कि जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुमको ध्यान। लेकिन गुरु को क्या दुनिया गुरु को जानती है, या दुनिया गुरु को मानती है, ऐसा कहीं नज़र नहीं आता मुझे। लोग तो कोई तकलीफ होती है पंडित जी के पास जाएंगे, जहाँ कोई तकलीफ होती है मंदिर में जाएंगे, जहाँ कोई तकलीफ होती है तीर्थ स्थान पर जाएंगे, ऐसा ही है ना। हम और क्या करते हैं कि दुख वहाँ जाएंगे दूर हो जाएगा, या किसी को दान देंगे दूर हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, उन्होंने मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो कहना चाहता हूं आप तक पहुंच जाए। ये ब्रह्मांड आपको नज़र आ रहा है, ब्रह्मांड जानते हैं, जमीन, आकाश, आकाश के अंदर जल है, वायु है, सूर्य है, चांद सितारे सब है ना, ये तो सब आपको पता है। इस ब्रह्मांड में आपको महसूस नहीं हो रहा कि ये जमीन चल रही है। जमीन हर वक्त हरकत में है और वो ज़मीन सूरज के चारों तरफ घूम रही है, सूरज के चारों तरफ 24 घंटे में वो सूरज का एक चक्कर काटती है। सूरज का जो ज़मीन का हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है वो दिन है, जो सामने नहीं होता वहाँ रात है। जैसे अभी इंडिया में इस वक्त हमारी धरती सूरज के सामने है तो यहाँ दिन है, मैं अमेरिका में था वहाँ रात है, क्योंकि अमेरिका धरती के सूरज के पिछली तरफ चला गया। बात समझ रहे हो ना, हवा चलती है, हम तो नहीं चलाते हवा, बारिश होती है, हम तो नहीं हवा बारिश चलाते, सूरज चढ़ता है डूब हो जाता है। तो पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में सब कुछ अपने आप हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसमें किसी का कोई दखल नहीं है। जो लोग दखल देते हैं वो दुखी हो जाते हैं। इंसान ने पृथ्वी को ब्रह्मांड को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए हम दुखी हैं। बात मेरी समझ रहे हो बच्चों, तुम आराम से बैठ जाओ, अब मुझे डिस्टर्ब ना करो, ठीक है, बात समझ गए, जो भी होता होने दो, आप अपने आराम से बैठो। इस ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड 5 तत्वों का है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, आकाश है और वायु है, 5 चीज़ें हैं ना, इसके अलावा तो जहाँ कुछ नहीं। इस 5 तत्व के बने हुए ब्रह्मांड में हमारा जो शरीर है ये भी 5 तत्व का बना हुआ है। हमारे शरीर जो, मेरा जो शरीर है, जो आपका शरीर है, आपको नहीं पता, मुझे पता है, इसमें मिट्टी भी है, इसमें जल भी है, इसमें अग्नि भी है, इसमें वायु भी है और इसमें आकाश भी है। बात समझ रही हो, तो इस 5 तत्व के ब्रह्मांड में हम 5 तत्व का वजूद, हम 5 तत्व का शरीर बनाकर रह रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम उस भगवान के ब्रह्मांड में छोटा सा ब्रह्मांड है। हम सब, आप भी ब्रह्मांड है, ये भी ब्रह्मांड है, सब आप, मेरी बात समझ गए। जैसे इस ब्रह्मांड को कोई हस्ती चला रही है, इतना बड़ा ब्रह्मांड जो है, धरती चल रही है, सूरज भी चल रहा है, वायु भी चल रही है, बारिश भी आ रही है, पानी बाह बनकर पहाड़ों में चल जाता है, वहाँ बर्फ बन गया,
बर्फ बनकर फिर पानी बनकर नीचे आता है और फिर जो वहाँ चल जाता है सागर में जाता है, फिर बर्फ बनता हवा बनती है फिर जाता है, सर्कल बना हुआ है ना। तो हम इस बड़े ब्रह्मांड में हर एक इंसान एक छोटा ब्रह्मांड है। इस छोटे ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज है तुम्हारे शरीर में, मेरे शरीर में भी, जो इस सारे ब्रह्मांड को चला रहा है, जिसको परमात्मा कहते हैं। इस पर कोई चीज तो है ना, किसी ने उसको अल्लाह कह दिया, किसी ने उसको गॉड कह दिया, किसी ने उसको राम कह दिया, किसी ने उसको कृष्ण कह दिया। मेरी बात समझ रहे हो ना? देखा किसी ने नहीं ना, वो देखा जा ही नहीं सकता, नहीं देखा जा सकता। हमने उसका नाम रख दिया और उस नाम से उसको हम याद करते हैं कि वो चला रहा है, ठीक है। जैसे इस ब्रह्मांड को कोई हस्ती चला रही है, वैसे ही हमारे इस छोटे ब्रह्मांड को, ये छोटा ब्रह्मांड है, इसको भी कोई हस्ती चला रही है। मेरी बात को समझे, वो कैसे चला रही है, मैं तुम्हें कोई बिल्कुल क्लियर बात करूंगा। मेरी बेटियों, मेरी बात को समझना ताकि तुम्हें जिंदगी में कोई भ्रम ना रहे। मैं अपने से लेता हूं, तुम्हें नहीं कहूंगा। मैं माँ के गर्भ में था, ठीक है, माँ के गर्भ से सारे पैदा हुए ना। तो वहां कहा था मैं एक पानी की पोटली में उल्टा लटका हुआ था। बच्चा ऐसे ही होता है ना, पानी की पोटली में उल्टा बच्चा लटका होता है और उस लटके हुए बच्चे को नाभि से, यहाँ से एक नाड़ निकलकर माँ के शरीर के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे ही होता है, आप तो माताएं हैं, आपको तो पता होना चाहिए। मैं तो डॉक्टरों से पूछा सारी बात को। तो अब उस बच्चे को वहाँ वो खाना भी मिल रहा है, मिलता है ना, उसको पानी भी मिल रहा है, उसको सांस भी मिल रहा है 4 महीने के बाद, क्योंकि बच्चे का जो शरीर है वो 4 महीने के बाद बनना शुरू होता है और 8 महीने को वो कंप्लीट होता है और 9 महीने में वो पूर्ण हो जाता है और 10 महीने में वो जन्म लेता है, ताकि पूरा कुदरत ने उसको पूरा तैयार कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या माँ को जिसके गर्भ में बच्चा है उसको पता है कि मेरा बच्चा क्या खा रहा है, मेरा बच्चा क्या पी रहा है, उसको चिंता है कोई? लेकिन जो वो खाती है, जो वो पीती है, जो वो देखती है, जो वो सुनती है, जो वो पढ़ती है, जो वो डांस देखती है, जो कुछ भी वो टीवी पर देखती है, उसका बच्चे के ऊपर असर होता है। मेरी बात को पकड़ते जाना, बच्चे के ऊपर असर होता है हर चीज़ का। जो जो माँ देखती है, अगर उसने कोई काला क्रूर आदमी देख लिया उन दिनों में, उस समय में जब बच्चे का रंग बन रहा है, बच्चा काला हो जाएगा। और अगर उसने किसी अपने पति को देखती है, हर रोज पति को देखती है, जब सासू माँ को देखती है, जब सुंदर ससुर को देखती है, जब देवर को देखती है, तो उसका बच्चा बहुत बढ़िया बनेगा। बात समझ रही हो मेरी? मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करो। अब वो सारा खेल कहाँ, कौन कर रहा है, किसने किया? और जैसे बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, फिर डॉक्टर जल्दी जल्दी क्या करते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, ऐसा करते हैं ना, सिर नीचे को होता है उसको सीधा कर देते हैं। उस वक्त बच्चा रोता है, आपको पता ही होगा रोते हैं ना। तो अगर बच्चा ना रोए तो डॉक्टर परेशान हो जाता है और उसको वो थपथपाता है, उसको मारता है, रो रो रो। अगर वो नहीं रोता तो बस हीज डेड, वो ख़त्म है। बात समझ गया? क्यों रोता है? मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब वो लटका हुआ था, उसकी वो ताकत, वो शक्ति, वो मालिक की अंश जो मैं हूँ, वो जहाँ से झटका खा के यहाँ आ जाती है, यहाँ, और वो तड़प जाता है, भाई मुझे क्या हुआ। बात समझ गए? जैसे तुम्हें ठोकर लग के तुम गिर जाओ, तुम क्या कहते हो, ओह मैं गिर गया, हाय मैंने पी हो गया, कहते हो ना बेटी, मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसे ही बच्चा तब रोता है
और उसके रोने का कोई कारण नहीं, उसको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उसको हमने वहाँ से हला दिया। उल्टा से बैठा था, बड़ी मस्ती थी, खाने की चिंता नहीं, पीने की चिंता नहीं, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, है ना। तो फिर एकदम डॉक्टर की करते हैं, उसे नाड़ू भाग काट देते हैं, नाड़ू काटते हैं ना, अलग कर देते हैं। अब उसका खाने की सारी जो स्कीम थी वो कट गई, कट गई ना। फिर क्या होता है, उसी वक्त माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। बताओ तो नहीं आता उसी वक्त माँ के, अगर माँ ने दूध पिया हुआ है, अच्छी खुराक खाई हुई है, और उसको पता है कि मैं बेटे को जन्म देना है, मैंने बच्चे को जन्म देना है, इसलिए मेरी खुराक अच्छी होनी चाहिए। बात समझ रही हो बेटियों? तो उसके स्तनों में दूध अपने आप बह जाएगा, क्योंकि वो बच्चा बाहर आ गया है। कुदरत ने इतना बड़ा इंतजाम किया हुआ है आप लोगों के लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए। तो माँ एकदम उसको दूध देती, देती कि नहीं देती? अगर माँ दूध नहीं दे सकती तो फिर क्या करते हैं डॉक्टर, उसको वो क्या एक होता है मशीन, उसमें लगा रख देते हैं, उसको पालते हैं महीना के, नहीं इसको ऐसा करो, ये करो, वो करो, करते हैं ना। अब ये एक बात मैंने आपको बता दी, क्या क्या बताया कि हमारी कोई शक्ति देखभाल करने वाली है, जैसे इस ब्रह्मांड के देखने वाली कोई हस्ती है, जिसको हमने राम कहा, या जिसको हमने कृष्ण कहा, या जिसको हमने अल्लाह कहा, या जिसको हमने खुदा कहा, कोई नाम तो हमने दिया है ना। ये अलग बात है कि हमने मंदिर बना लिया, ये कर लिया, वो माता का मंदिर बना लिया, हनुमान का मंदिर बना लिया, ये बना लिया, यो तो हमारे मन का खेल है। कोई और तो माता है नहीं, दो माता है मेरी नज़र में, मेरी नज़र में मेरी दो माताएं हैं, एक धरती माँ जिसका खाना हम खाते पैदा हुआ, आकाश में तो नहीं पैदा होता, ज़मीन में पैदा होता है, धूप लगती है, बारिश होती है, हवा चलती है, और फिर उसमें से पौधे पैदा होते हैं, गेहूं पैदा होता है, ज्वार पैदा होती है, मक्की पैदा होती है, सब वही हम खाते हैं ना। तो एक ये माँ है, ये माँ है हमारी पृथ्वी माता, पहली माँ। दूजी माँ जिसने जन्म दिया, और कोई माँ नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, बात को पकड़ने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। अब आप आ गए, मैं आ गया, महीने का हो गया, दो महीने का हो गया, माँ का दूध साल पर पिया, मुझे तो ये भी पता है कि मैं तो डेढ़ साल से दो साल तक भी माँ का दूध पिया। वो काम किया करते थे दौड़ के, माँ मैंने दूध दे, माँ मैंने दूध दे, मैं ज़बरदस्ती पकड़ के दूध उनका मम्मा मुँह में पा लेना, बड़ा मीठा, कभी कोई बीमारी नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि माँ के दूध में ऐसे तत्व हैं जो बच्चे को कभी बीमार नहीं होने देते। ये और बात है, आज डॉक्टरों ने अपने पैसे बनाने के लिए या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने ये निकाल दिया, बच्चे का तीन महीने में टीका लगाओ, छः महीने में टीका लगाओ, नौ महीने में टीका लगाओ, क्या फायदा, माँ के दूध में सब कुछ है। बात समझ रही है? चलो जब दांत निकले, जब दांत निकले तो फिर क्या हुआ, फिर माँ का दूध सूखना शुरू हो जाता, सूख जाता है, और बच्चे को रोटी खानी पड़ती। पता लग गया ना आपको, जब दांत न थे तो दूध दिया, अब जब दांत मिले तो अन्न दिया, फिर हमने रोटी खानी शुरू की। अब मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, हम रोटी भी खाते हैं, हम पानी भी पीते हैं, हम दूध भी पीते हैं, हम फल फ्रूट भी खाते हैं। अब कोई ये कहे कि मैं खाने के बाद पचाता हूँ, कोई करता कोई काम, अपने आप पचता है ना, अपने आप पचता है। तो अंदर मशीन लगा दी मालिक ने उस मालिक ने साढ़े अंदर मशीन है, उसे पांच चीज़ें हैं बढ़िया जरूरी, बहुत जरूरी चीज़ें जड़ियाँ, जरा अस ध्यान नहीं करते। मैं साइंटिफिकली बोल रहा हूँ, विज्ञान के ढंग से बोल रहा हूँ। आज विज्ञान का युग है, आज कहानियों का युग नहीं है। एक हमारा फेफड़ा है, फेफड़ा जानते जो सांस लेता है, ये नंबर वन, सांस बंद हुआ
जिंदगी खत्म, पहला। दूसरा हमारा हार्ट है, इसका संबंध हार्ट के साथ है। जैसे जैसे अंदर हमारे हरकत हो रही है तो हमारा हार्ट भी पल्पिटेट करता है, दो चीज़ें। तीसरा हमारा लिवर है, जो हम खाते हैं उसको वो पचाता है, उसको वो उसका रस बनाता है, उसका खून बनाता है, उसका मल एक तरफ करता है, उसका जो जो हमारा मांस बनता है वो अलग करता है, सब चीज़ें अलग अलग कर देता है, अंदर ऐसा सिस्टम है। तीन चीज़ें, चौथी चीज़ें हमारी किडनी, वो कहना ना किडनी फेल हो गई, आजकल किडनी में बड़ी बीमारियाँ, किडनी हमारे खून को साफ करती है और पेशाब का कंट्रोल करती है, वो अगर वो ख़राब हो जाए तो हार्ट भी ख़राब हो जाता है, अगर वो ख़राब हो जाए तो इंसान को कई बीमारियाँ लग जाती हैं। तीस चार चीज़ें, एक है पैनक्रियास हमारे अंदर, छोटा सा इतना सा इधर, वो क्या काम करता है, वो जो हम खाते हैं उसके शुगर को कंट्रोल करता है। आजकल शुगर सबको हुई हुई है क्योंकि हमने चीनी खूब खानी है, चार बड़ी पाँच बड़ी चाय पीनी है और रोटियां भी दवा दवा खा लेनी है क्योंकि टेंशन है, टाइम ही नहीं है, रोटी जल्दी जल्दी खाओगे वो आपने ठीक तरह से उसके साथ जुर्म किया रोटी को खाने के लिए, तो वो जल्दी जल्दी अंदर जाएगी, लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये पांच चीज़ें हमारे अंदर उस मालिक ने लगाई हैं जो हमारे सारे सिस्टम को चला रही है और हमें उसका कुछ भी पता नहीं है, ठीक है? नहीं पता ना, तो फिर हम क्या है, फिर क्या है हमारे हाथ में? दिल दिल धड़क रहा है, तुम्हें पता? किसको नहीं पता। नब्ज़ चल रही है, तुम्हें पता? नहीं पता। तो तुम्हारे अंदर वो कौन सी चीज़ है जो ये सारा खेल खेल रही है? संत आए इस दुनिया में, महापुरुष आए, कबीर साहब आए, गुरु नानक साहब आए, उनके आगे अनेक संत आए, फिर राधा स्वामी मत में स्वामी जी महाराज आए, उनके शिष्य आए, सालग्राम साहब आए, उनके शिष्य आगे महर्षि शिवरत लाल जी महाराज आए, उनके आगे मेरे सदगुरु मेरे बाबा फकीर जी आए, उन सब ने हमें ये बताया कि बच्चा बाकी बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर जो तू देखता है, मंदिर देख, मस्जिद देख, गुरुद्वारा देख, तीर्थ स्थान देख, तू पुखर तार रख, जप कर, तप कर, जो मर्जी कर, जब तक तू उस चीज़ को जो तेरे अंदर है उसको नहीं देखेगा, तेरे को शांति नहीं मिलेगी। जो क्या कर रही, हमारे अंदर का सारा सिस्टम कर रही है ना, तो फिर वो कौन है, वो क्या है? वो ना शरीर है, शरीर में कोई ताकत नहीं है, शरीर का सांस बंद हो गया, शरीर मिट्टी, कहने चक्को चक्को जल्दी करो रात पै गई, बात समझ रहे हो ना? तो ऐसा ही है ना, तो कोई नहीं रखेगा शरीर, शरीर तो है आपका, इसको जितना मर्जी सजाओ, जो मर्जी करो, बाहर मुखी जो मर्जी करो, अंदर को पहले साफ करो, उसको देखो कि तुम कौन हो। दूसरी बात, तुम मन भी नहीं हो, हम सब मन के मारे हुए हैं, मन ने हमें मार दिया, मन ने हमें बांट दिया, मन ने हमें टुकड़े टुकड़े किया हुआ है। देश का हाल देख लो, घरों में हाल देखो, लड़ाइयाँ झगड़े क्यों, मन दे पीछे, ए मेरा ए मेरा ए मेरा ए मेरा, क्या है मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं है, तो बाकी क्या हो सकता है? तो मन क्या है? मन कुछ भी नहीं है, ये जो देखता है वो बन जाता है, जो सुनता है वो बन जाता है, जो खाता है वो बन जाता है, जो टच करता है वो बन जाता है, जिस जो इसने देखा नहीं, खाया नहीं, सुना नहीं, इसको उसका कुछ भी पता नहीं। मेरी बात समझ गए? जैसे आप बहने हैं, शायद आपने मुझे पहले नहीं देखा ना, अब जब आप घर जाओगी तो तुम्हें जरूर एकदम मेरी शक्ल सामने आ जाएगी, मैं आया हूँ यहाँ, आएगी कि नहीं? अब मैंने इन बेटियों को देखा है, इनके बारे में सोचूंगा, गीता मेरे सामने आ जाएगी, गीता वो वहाँ है, मुरादाबाद में है,
ये बेटी है बहू। अब मेरी बात समझ, जो नहीं देखा वो तुम्हारा मन नहीं है, जो नहीं खाया वो भी तुम्हारा मन नहीं है, जो तुमने नहीं सुना वो भी तुम्हारा मन नहीं है। तुमने गर्म चीज को हाथ नहीं लगाया, तुम्हें पता ही नहीं इसमें करंट है, बिजली का तुम्हें पता नहीं इसमें है, जब हाथ लगाया ओए इसमें तो करंट है, तभी करंट का पता लगा। मैं बड़ी ढंग से समझा रहा हूँ आपको बेटियों, और मैं तुम्हें इस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर स्वर्ग बन जाए, तुम्हारे घर स्वर्ग बन जाए। कहीं बाहर स्वर्ग है नहीं, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नर्क भी नहीं है। मैं गारंटी से आपको कह देता हूँ, नर्क और स्वर्ग हमारे मन में है, हमारी सोच में है, हमारे विचार में है, हमारे ईर्ष्या में है, हमारे द्वेष में है, हमारी नफरत में है, हमारे में प्यार नहीं है, यहाँ वहाँ नर्क है। क्या कहा मैंने, बात को मेरी को पकड़ो। इसलिए तो क्या है, हमारा मन भी कुछ नहीं है। जैसे तुम सो जाते हो गहरी नींद, बताओ मन होता है वहाँ, नहीं होता ना, वहाँ नहीं है। फिर जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाती तो मन अंदर ही दुनिया बना लेता है, उसको आप सपना कहते हो, मैं सपना देखा, आ हो गया हो गया, वहाँ तुम हो नहीं हो, फिर तक लेते आए हो तो बेहोश है, मन अंदर अपनी एक दुनिया बना लेता, बनाता कि नहीं बनाता। तो मन जो है ये बहुत बड़ी पावर है, पावर तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ है। इसको कंट्रोल करना वो मैं बताऊंगा आपको, धीरे धीरे बताता जाऊंगा। अब तीसरी बात, अब दो चीज़ें मैंने आपको बताई, दुनिया में सारे ब्रह्मांड में हमारी दो चीज़ें आपस में नहीं मिलती, शरीर हमारे सबके अलग अलग हैं, चाहे कोई बहन है, चाहे कोई भाई है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, हमारे शरीर सबके अलग अलग हैं। क्यों, हमारी माताओं ने जो बड़ौदा में रहती हैं, यहाँ रहती हैं मुरादाबाद में, उनकी खुराक और है, जो पंजाब में रहते हैं उनकी खुराक और है, जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनकी खुराक और है, जो वेस्टर्न यूपी में रहते हैं उनकी खुराक और है ना। तो खुराक के मुताबिक और माहौल के मुताबिक हमारा शरीर बनता है, ठीक है। तो हमारे शरीर आपस में नहीं मिलते, दूसरी बात हमारे मन भी नहीं मिलते, क्योंकि हमें जो संस्कार माँ से मिले या बाप से मिले या घर से मिले या समाज से मिले वो अलग अलग हैं। सिख के घर में बच्चा पैदा हो गया तो वो उसको जैसे वो बड़ा छोटा होगा उंगली फड़ने वाला उसको वो गुरुद्वारे जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर किसी सनातन धर्मी के घर में पैदा हुआ बच्चा तो वो मंदिर में लेके जाएंगे, और मुसलमान के घर में हो गया तो वो कहाँ जाएंगे, मस्जिद में, अलग अलग हो गए ना। तो वहाँ ना तो मंदिर में कुछ है, ना मस्जिद में कुछ है, ना गुरुद्वारे में कुछ है, वो सिर्फ हमारी आस्था है, हमारी आस्था। हाँ, उस आस्था ने हमारा मन कंट्रोल कर लिया तो हम उधर हो गए, और जिसको पता लग गया कि ना वहाँ कुछ ना वहाँ कुछ ना वहाँ कुछ, जो कुछ है ऐ इंसान तेरे अपने घट में है, तेरे अंदर है, जब वो पता लग गया गुरु के पास जाकर तो मन ठहर जाता है। मेरी बात समझ गए। तो इसलिए मन के एक होना बहुत कठिन है, एक गुरु के शिष्य एक मन के नहीं हो सकते, किसी भी धर्म के लोग एक मन के नहीं हो सकते। थोड़ी देर के लिए इकट्ठे होंगे, तालियां बजाएं, चलो जी वापस, फिर वही का वही रंग, वही रहेगा, वो रंग नहीं बदलता। दो चीज़ें हमारे अंदर हैं जो सब में है, वो क्या है, आप में भी है, इस बच्चे में भी है, मेरे प्यारे लक्की में भी है, मुझ में भी है, शशि बैठे सब में वो ये है, वो है हमारी आत्मा। आत्मा क्या है, प्रकाश है और कुछ नहीं, आत्मा प्रकाश है और वो ही हमारे शरीर को गर्म करके रख रही है। हमारा शरीर गर्म है किसके कारण, क्योंकि इसके अंदर
इसके अंदर प्रकाश है, ज्योति है यहाँ। और आपका गायत्री मंत्र अगर आप पढ़ती हैं तो आपको पता होगा वहाँ वो यही कहा जाता है कि सुथूर सूक्ष्म और कारण से परे आपके अंदर में सूर्य का प्रकाश है, उसको देखो और अपने जीवन के मार्गदर्शन पर चलो, ये लिखा है वहाँ आपके शास्त्रों में। लेकिन कौन करता है, हमने तो बड़ा इजी काम बना लिया, अंदर क्या ज्योति जलानी, अपने अंदर छोटा सा मंदिर बनाया, वहाँ थोड़ा घी डाला, एक बत्ती डाली और आग लगा ली, ज्योति जल गई, चलो जो ज्योति जला ली, बारी जला ली और फिर घंटी बजा ली, घंटी तो अंदर बज रही है, अंदर है सब कुछ। लेकिन हमें आसान तरीका कर लिया कि आँख नहीं बंद कर सकते हम मन को नहीं इकट्ठा कर सकते, हम मन को यहाँ नहीं ला सकते, तो हम अपना गुजारा बाहर कर ले। बात समझ रहे हो मेरी बेटियों, तो वो गलत है, उससे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। बाहर में जो मर्जी कर लो, तुम्हें सुख पूर्ण शांति पूर्ण आनंद कभी नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए तुम्हारा मन लग जाएगा, मैंने आरती कर ले, या कोई अगर मूर्ति रखी हुई है उसको पत्थर की, उसको नहला दिया, कपड़े डाल दिए, ले कोई गल हुई, वो भगवान नहीं हो सकता, पत्थर भगवान नहीं हो सकता, एक बात। दूसरा, हमारे अंदर एक चौथी चीज है, हम लोग कहते हैं शरीर मन और आत्मा, नहीं, हम शरीर मन और आत्मा नहीं है, हम इन तीनों से ऊपर हैं रहने वाले, और वो हमें पता नहीं, और वो हमें कोई बताता भी नहीं है। बात समझ गए, हमें तो सिर्फ गाकर सुनाया जाता है, गा लो थोड़ा तालियां बजा लो और फिर सीख घर को जाओ, यही होता है और क्या होता है। वो चौथी चीज जो है वो है, वो उस ब्रह्मांड से आई है, वो उस ताकत से आई है जिसने इस सारे ब्रह्मांड को चलाया हुआ है। मेरी बात समझ रहे, उसको संतों ने कहा है सुर, उसको कहा है चेतन शक्ति, उसको कहा है होश, उसको कई अंग्रेजी में उसको कहा है कॉन्शियसनेस। अब उसकी मिसाल आपको दे देता हूँ, आदमी बड़ा अच्छा है, सेहतमंद है, सोना अच्छा तकड़ा, वो गिर गया कहीं से और बेहोश हो गया। अब बताइए वो बोल सकता है, वो चिल्ला सकता है, आप उसको आवाज दो वो आपकी सुनेगा, नहीं सुनेगा, वो आंख नहीं खोल सकता, ना बेहोश आदमी आंख खोल सकता है, ना वो सुन सकता है, ना वो बोल सकता है, ना वो हाथ हिला सकता है। बताइए, वो ठीक है, सांस चल रहा है, दिल भी धड़क रहा है, उसकी नब्ज भी चल रही है, वो जिंदा है, लेकिन बोल क्यों नहीं रहा, वो माँ को जवाब क्यों नहीं दे रहा, माँ क्या तू क्यों घबरा गई, माँ बाजा मार दिया, बोल बेटा की होया तेनू, वो बोलता नहीं बोलता ना, वो कौन सी चीज है फिर जो हमें देखती है, जो मेरी आंख में बैठकर देखती है, जो मेरे कान में बैठकर सुनती है, जो मैं रोटी खाता हूँ उसका टेस्ट देखती है, जिसके कारण मैं आपके सामने बैठकर बकबक कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं उसकी ताकत से बोल रहा हूँ, वो आप सब में है। तो संत आए, संतों ने हमें कहा बच्चा तेरे अंदर है, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूँ, मैं कहीं भी नहीं हूँ, मैं तेरे पास हूँ। मेरी बात समझ गए, घट में दर्शन, दाता ध्यान मेरे दादा, घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं, किसका, अपने आप का, घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं, मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वही, घट में ये सिर वो तुम्हारे अंदर है, तुम क्या हो, तुम और हो, तुम अलग हो, हम उसको नहीं देखते, हम बाहर भटके हुए हैं, इसलिए हम कभी सुखी नहीं रह सकते, हमें क्योंकि हमें अपना ज्ञान नहीं है। और फिर
तीसरी बार तौर पर देखते हैं। आप तुलसीदास को सुनते हैं, रामायण में पढ़ते हैं ना, बड़े पाठ होते हैं उसके, कई लोग गा के लोगों को मनोरंजन करते हैं। तुलसीदास ने दो एक लाइन लिखी है, वो कहता है, लिखा ललाट टरे नहीं टारा, भावी को मेटनहार। सुना होगा आप लोगों ने, जब एक संत ने ये कह दिया कि जो लिख गया यहाँ, जो लिखा है, यही गुरबाणी भी कहती है, गुरु ग्रंथ साहब में भी यही लिखा, जो यहाँ लिखा गया है वो आपको ही भोगना है और उसको कभी कोई मेट नहीं सकता। चाहे तुम पाठ करो, चाहे तुम पूजा करो, चाहे तुम दान करो, चाहे तुम पुण्य करो, चाहे तीर्थ यात्रा करो, चाहे व्रत रखो, जो मर्जी करो, वो तो भोगना पड़ेगा। कर्म जो जो किया है अंत में भोगना पड़ना, ये बात मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने इस शरीर का त्याग करने से पहले कही। लिखा क्या लिखा, ऐ इंसान, मेरी बात को ध्यान से सुनना बीबियों, ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, तेरा राम नाम ने बेड़ा पार नहीं करना। दो चीजें कर, अपनी नीयत को साफ रख और कर्म अच्छा कर, क्योंकि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीन तैसो फल चखा, ये भी लिखा है ना, आपने सुना होगा। तो कर्म है सबसे बड़ी बात। अब सवाल पैदा होता है कि कर्म क्या है, तो भी मैं बता देता हूँ। कर्म तीन तरह का है, कर्म मन वचन कर्म से शुद्ध रहो। कर्म तीन तरह का है, एक कर्म है स्थूल जो नजर आता है, ये कर्म कर रहा है, झूठ बोल रहा है, हेरा फेरी कर रहा है, धोखा कर रहा है ना, या किसी को मार रहा है, ये स्थूल कर्म है, इसका भी फल मिलेगा। मारोगे अगर किसी को फिर दुख पड़ेगा सहना, तुम धोखा नहीं दे सकते। जो धोखा किसी को देता है वो किसी को धोखा नहीं दे रहा, अपने आप को दे रहा है, उसको पता ही नहीं कि मुझे भी भोगना पड़ेगा। बात समझे, एक स्थूल है, दूसरा है सूक्ष्म। सूक्ष्म कर्म भी हम करते हैं, जैसे आँख से भी कर्म करते हैं। कैसे करते हैं, मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, बच्चों यही आँख है जो अपनी माँ को देखती है, यही आँख है अपनी बहन को देखती है, यही आँख है अपनी बेटी को देखती है, और कोई फर्क नहीं ना, वो माँ के रूप से देखता माँ को, बहन को बहन के रूप में देखता है, बेटी को बेटी के रूप में देखता है, पत्नी को पत्नी के रूप में देखता है, लेकिन जब वो किसी प्राय स्त्री को देखता है तो उसकी आँख में बदलाव आता है, वो उसको बहन नहीं मानता, वो उसको माता भी नहीं मानता, वहाँ उसका कर्म बुरा बन जाता है। बात समझ गए मेरी, आप मेरी लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तो आँख से भी हम बुरा कर्म करते हैं, और वो मैं आपको अलग में सियाल देता जाऊँगा। हम जबान से भी बुरा कर्म करते हैं, जबान से तो बहुत ही बुरा करते हैं, बोलते हैं ना, बुराई करते हैं किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी का अच्छा करने बोलना ही नहीं, बात समझिए ना। तो ये जो हम बुरा बोलते हैं ये ब्रह्मांड में रहता है, ये नाश नहीं होता, ये वापस तुम्हारे पास ही आएगा और तुम्हें तंग करेगा। इसलिए संतों ने कहा, मत देख पराए अवगुण, क्यों मक्खी संकरे भिन भिन, मक्खी भी जड़ी गंदगी तो बैठ दो भीम भीम भीमी कर दी फिर दी ना, ये ना करो, शहद की मक्खी बनो। मेरे दादा गुरु ने लिखा है, शहद की मक्खी बनो, मीठी वो मीठे खाएगी और मीठा ही गुण गाएगी। तो हम जबान से भी थोड़ा कंट्रोल करो, जबान से परिवारों के परिवार खराब हो गए, लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुए कि नहीं हुए, मैं मिसाल दे दूंगा। तो हम जबान से भी बुरा काम करते हैं और हम कान से भी बुरा काम करते हैं। कान से किसी की बुराई सुनना ये भी महापाप है, बुराई मत सुनो।
आप अच्छी वाणी सुनो, सत्संग सुनो, गुरुओं की वाणी सुनो, उसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। बात सुन रहे हो? तो हम कान से भी बुरा कर सकते हैं, आँख से भी बुरा कर सकते हैं, जुबान से भी बुरा कर सकते हैं, हाथ से भी बुरा कर सकते हैं। अब मैं आपको इनकी बेटियों मिसाल दे देता हूँ ताकि तुम्हें पूरा विश्वास हो जाए कि जो मैंने कहा ये ठीक कहा। नंबर वन, पहला कर्म जो हम हाथ से करते हैं, एक कसाई हुआ है हमारे इतिहास में जिसका नाम है सदना कसाई। सदना वो राजा का बुच्चर था, राजा का, और लोगों को मीट नहीं बेचता था, सिर्फ बड़े बकरे पाले हुए थे। राजा को हुक्म जाता था कि भाई इतने आज इतना भेजो उसके। राजा लोग तो खाते पीते हैं ना सब कुछ, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो हर रोज एक बकरा या दो बकरे काट देता था, ये उसका काम था। एक दिन क्या हुआ कि राजा के पास रात को लेट 9 बजे 10 बजे पड़ोसी राजा आ गया रात को। वो शिकार खेलने गया था, शिकार मिला नहीं, कहते चलो दोस्त के पास रात ठहरते। तो वो आया, राजा ने पूछा भाई खाना खाओगे? हाँ जी खाना तो खाएंगे। और फिर खाना तो उन्होंने वही खाना था, मांसाहारी। तो सतना कसाई को मैसेज दिया गया कि मेहमान आए हैं, इतना हमें मांस चाहिए, इतना भेज दो। तो सदने तो हुक्म मांगना था, उसने अपनी तलवार जब जो भी काटता था ले गया, बाड़े में गया। तो वहाँ जाकर सोचा कि अगर मैं बकरे को अभी मार देता हूँ सारा, उनको तो 5-10 किलो चाहिए, मेरा बकरा 20-30 किलो का, ये सारा खराब हो जाएगा, कल को तो राजे ने लेना नहीं तो मेरा नुकसान हो जाना। बकरे को नहीं मार रहा, क्या करूँ? कहते अच्छा इसकी टांग काट लेता हूँ, एक टांग ये पड़ा रहेगा, सुबह इसका गला काट दूंगा। मेरा भी काम चल जाएगा, इसका मांस भी नहीं जाएगा। तो उसने जैसे ही उसकी टांग पकड़ी तो इतिहास कहता, सच्ची घटना है ये, इतिहास ये कहता है कि बकरा हंसा। जब बस बकरा हंसा तो सदना पीछे हट गया, हो ये क्या देखता हूँ बकरा। कहते बकरा ने उसको कहा कि सदना कसाई जो करने लगा ये सोच ले, आज तक तूने मेरे कितने सिर काटे और मैंने तेरे कितने काटे, ये हमारा लेने देने का काम चल रहा है। एक जन्म में तू मेरा काटता है सिर, दूसरे जन्म में मैं तेरे काटता हूँ, तो देख ले टांग मैं भी तेरी काटूंगा। सदना कसाई को ज्ञान हो गया और उसने तलवार फेंक दी। राजा को कह दिया, राजा मैं तुम्हें कोई जानवर नहीं मार कर दूंगा। और वो संत बन गया। और उसकी ये कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, क्या मतलब है इसका, सिर कटा तो सिर कटेगा, बाजू कटा तो बाजू कटेगा। अब मैं आपको इसकी आंखों देखी एक मिसाल देता हूँ, आंखों देखी। मैं हम छोटे थे, चौथी क्लास में पढ़ते थे, गाँव में रहते थे, तो स्कूल से आना तो माँ ने कहना बच्चा ए मचा छत ले तो चार लिया जा मचा छत, हूँ ये तो शहर है ना बड़ा, पिंड तो साढ़े पिंड खेत खाली होंगे सी, पशु अपना छड़ना किताबा को ले जानियाँ, मचा खेत छत देना, वो चल रही हैं आराम नाल, असी बच्चे पढ़ते रहना। अपनी गल सुना रहा तो साढ़े नाल एक बजुर्ग भी हों, एक बजुर्ग तो वो बह जाता सी ठास नाल, उन्हें असी 3-4 मुंडे होंगे सी, उस ओए इधर उठ, ओ जा मेरी मज मोड़ के लिया सानू दौड़ा, आप नहीं उठ के जाना। असी बड़े दुखी होंगे सी, चंगा सानू तंग करता बाबा, समझ गए ना। एक दिन बच्चियों क्या हुआ कि जब वो घर हम वापस आ गए, हम तो अपने अपने घरों में आ गए, तो एक कुत्ते कुत्ती होती है ना, एक डॉग होता है एक बिच होती है, कुत्ती ने उसको भौंकना शुरू कर दिया, पता नहीं क्यों भौ भौ करे, वो उन्हें डरावे, वो ना हटे, भौ भौ करी जाए उन पवे खान।
उस आदमी ने जिसकी उम्र उस वेले अबाउट 65 साल की होगी, उसने उसको डंडा मारा और गिर गए। फिर उसने उसको इतना पीटा, हमने कहा ताया जी ना मारो, वो पाप हो गया, ताया जी ना मारो, वो सानू भी गुस्से हो गए, डर जाओ। उसने कही के टह 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 कर दी सी, मार दी, वो मार दी, खत्म कर दी, बात खत्म हो गई। मैं उस वक्त 8वीं 9वीं में क्लास में था, मैं स्कूल से आया, वो आदमी बीमार हो गया। आपको मैं आंखें दखी बात बता रहा हूँ, वो आदमी इतना बीमार हुआ कि वो लेटा हुआ एक ही बात कह रहा है, वो बचाओ मैनु कुत्ती खा गई, हो मैनु बचाओ कुत्ती खा गई, मैनु बचाओ कुत्ती खा गई, और जे कहना कितना मर गया। बात समझ गए मेरी, आपने क्या कहा, कहानियाँ मेरे को देखी बहुत है, लेकिन ज़्यादा लंबा टाइम नहीं मैं लूँगा। तो जो करेंगे हम हाथ से वो भोगना पड़ेगा, नंबर वन। एक, अब मैं तुम्हें आँख देखी और जबान से कही बात सुना देता हूँ। आप रामायण सबने सुनी, सुनते हो, राम सीता को वनवास मिल गया, लक्ष्मण भी गए। तो वनवास में रावण ने एक सोने का हिरण भेजा, ये भी आप जानते हैं। राम उनके पीछे जाते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो राम वहाँ से आवाज़ आती है, लक्ष्मण मुझे बचाओ, सीता मुझे बचाओ, ये भी आप जानते हैं। लेकिन वो तो कुछ नहीं हुआ। तो सीता लक्ष्मण को कहती है, लक्ष्मण भैया आप जाओ, तुम्हारे भैया इस वक्त बहुत खतरे में है। वो कहता मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हें तो पंडित सुनाते होंगे ये कथा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो सीता माता ने, जिसको हम जगत जननी कहते हैं, उसने उस वक्त अपने मुख से एक तीर छोड़ा। वो तीर ऐसा छोड़ा किसके लिए, उस लक्ष्मण के लिए जो सीता को माता कहता था। और आपने ये भी सुना होगा कि उसने अपनी सीता माता को पांव से ऊपर तक कभी देखा नहीं था, वो पांव को देखता था। ये भी सुना होगा कि उसने सीता का चेहरा कभी नहीं देखा था। तो सीता ने उसको कह दिया कि तुम अपने भैया को इस दुख में मदद करने क्यों नहीं जा रहे, मैं जान गई तू क्यों नहीं जाता, तेरी मेरे प्रति नियत खराब है। कहा ना, कहा एक पवित्र आदमी को, एक ऐसे भक्त को, एक ऐसे प्रेमी को जो अपने भाई को मालिक का रूप समझता था, जो अपनी भाभी सीता माता समझता था, उसको इतना कड़वा शब्द कहा, उससे सीता का आदि शक्ति खत्म हो गई और रावण उसको उठाकर ले गया। फिर क्या हुआ आप सबको, एक बात मुख से कहा, मीठी वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध श्री। जब तुम लोग गुस्से से बोलते हो, क्रोध से बोलते हो, तुम्हें पता तुम्हारे शरीर पर क्या असर होता है, तुम्हें नहीं पता। तुम्हारा शरीर अंदर से जल जाता है, तुम्हारी नस नाड़ियाँ जल जाती हैं, और इसलिए तुम लोगों को ब्लड प्रेशर होता है। तुम्हें प्रेम नहीं करना आता, तुम्हें क्रोध आता, क्रोध जल्दी, प्रेम पता नहीं कहाँ चला गया, वो तो है ही नहीं, नजर ही नहीं आता। दूसरी बात महाभारत भी आपने सुना होगा, पांडवों ने महल बनाया। मैं तुम्हें ये समझाने की बात कर रहा हूँ, मैं कोई कहानी नहीं पा रहा, मैं कोई प्रूफ देना चाहता हूँ आप लोगों को कि कर्म कितना प्रधान है। तो उन्होंने एक अपना महल बनाया और कौरवों को भी बुलाया कि आप भी आइए, आज हमने गृह प्रवेश करना है। तो क्या हुआ, वो ऐसा महल बनाया जिसमें ये नहीं पता लगता था कि यहाँ पानी है या फर्श है, ये सुना होगा आपने। तो जब कौरव आए और दुर्योधन जो आया उस रास्ते से आ गया जहाँ पानी था, उसने समझा कि ये तो पानी नहीं है, फर्श है, चारों तरफ ऐसा भवन बनाया। तो द्रौपदी ऊपर खड़ी है, जैसे दुर्योधन ने पांव रखा पानी में वो गिर गया। और फिर क्या हुआ, द्रौपदी ने एक तीर छोड़ दिया,
क्या कहा उसको, अंधे की औलाद अंधे। फिर क्या हुआ, दुर्योधन ने उसी वक्त कसम खा ली कि इसका मैं बदला लूंगा, और बदला लिया और मेरे भारत में महाभारत लड़ा गया। हो गया ना बात। तो मैंने ये चीजें क्यों आपको बताई, ये इतनी बड़ी लंबी कथा जो मैंने सुनाई आपको, वो सुनाई मन वचन और कर्म से शुद्ध रहना। तीसरी बात, हम मन से भी कर्म करते हैं। आप अपने घर में बैठे हैं, कुछ नहीं, किसी के बारे में यूं ही बुरा सोच रहे हैं, जैसे हाय वो मुंडे का ब्याह होया, उन्होंने मुंडे का ब्याह होया, उन बहू इन्नी सुंदर आई और इन्ना हो दहाज दहेज लेके आई, है मेरे मुंडे ने तो कुछ भी नहीं दिता किसी ने। बस समझ गई हैं ये क्या है, किसी नौकरी मिल गई ता जलन अंदर ही अंदर, उन्हें नौकरी मिल गई, पता नहीं कितने आहो भाई पैसे चढ़ा देते होने हैं, अपने अंदर ही लड़ी जानी जनानी बैठी, आदमी भी लड़ी जाना लड़ते ना मन च बैठे। तुम अपने आप सोचो, असं अपने मन च ही बैठे सारी दुनिया के खिलाफ एवं जाल बछाई जाने, वो भी बुरा कर्म। उस अपने ये जो रेशम का कीड़ा बनाता है कीड़ा, वो की करता है, रेशम कितना बनता पता तुम्हें नहीं पता, नहीं पता मैं दस दिना, शहतूत है ना दरख्त, एक शहतूत है, उन बड़े मिठे शहतूत लगते, एडे एडे भी लगते, इन्ने इन्ने भी लगते, मेरे घर भी लगे, वो लग गए मेरे घर के कोल, वो शहतूत दे पत्ते खाता वो कीड़ा छोटा, वो फिर वो शहतूत के पत्ते खा के वो तार एक कढ़ता अपने मुँह चो, वो तार अपने उत्ते अपने अपने लपेटता रहा, इदा इदा लपेटता रहा, इदा लपेटता रहा, वो गुच्छा बन जाता, वो जो इदा हो जाता ना, जो उन्होंने पालते हैं शहतूत के कीड़े जो पालते हैं, उन्होंने पता हूँ इदा हो गया, वो फिर उन्होंने चक लेंगे, उन्होंने चक के फिर पानी च उबालते, पानी च उबाल के फिर उन्होंने कटते, कट के वे धागे फिर कट के तो रेशम बनता। वो जो रेशम का कीड़ा है वह अपनी खुराक नाल ही अपने दुआले अपनी दुनिया बना देता और वो से मर जाता। इस तरह ही असी सोच सोच के अपने घर से बैठे करते कुछ भी नहीं, ऐ भी सोची जाने कभी वो खिलाफ कभी वो खिलाफ कभी वो खिलाफ, तुम अपनी दुनिया अपने आप बिगाड़ लेंगे हो। और उस वेले राम राम जप करो तो भजन करो, कोई कोई अच्छी किताब पढ़ लो, है ना, उत्थे तो साढ़े तो हूँ की हो गया, वो मेरे तो देश का बेड़ा गर्क हो गया, हर कमरे से सीरियल लगे हुआ, हर कमरे से टीवी लगे हुआ, बहुआ भी उत्थे देखी जाना, सस भी देखी जाती, सहुरा भी देखी जाता, न्याणे भी देखी जाते, किसी को पता ही नहीं भी बाहर भी दुनिया हैगी है। फिर वो छड़िया फिर मोबाइल हर वेले सामने, मोबाइल सामने वो तो पता नहीं की करते रहते, इधर 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 अंदर हमारा ब्रेन हमारा दिमाग इन चीज़ों ने कंट्रोल कर लिया। तुसी किसी मंदिर से जाओ जो मर्जी करो, जब तक असी आज़ाद नहीं होंगे सानू जीना नहीं आता, असी दुखी रहेंगे, दुख तो नहीं बच सकते, दुख तो कितना बचना, वो मैं कबीर साहब का अपने शब्द सुना देना, निकालो कबीर साहब का शब्द, तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। कबीर साहब ने आज तो 6 साल पहला लिख दिता, तो मैं तो हूँ दुहाई दिना कि संत भी नहीं सुखी और तो छोड़ो आचार्य भी नहीं सुखी, ए बड़े बड़े महात्मा भी नहीं सुखी, क्यों नहीं सुखी, उन्होंने अपने डेरिया की पई हुई है, मेरी पूजा हो गए, मेरे को दाना आवे, मेरा डेरा बड़ा बन जा। मैं एक ऐसे सतपुरुष का शिष्य हूँ जिसमें कोई ख्वाहिश है ही नहीं, मैं आता हूँ जाता हूँ बाहर, मानवता मंदिर में भी डिक्लेयर करता हूँ, ना मैं महात्मा हूँ, ना मैं आचार्य हूँ, ना मैं संत हूँ, ना मैं परम संत हूँ, मैं तो तुहाडा भरा हाँ और संगत का सेवक हाँ, बस इस तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं, संगत का सेवक हूँ, मेरे से जितनी सेवा होगी मानव जाति की सेवा करना मेरा धर्म है। क्योंकि मैं पा लिया कि वो ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना गुरुद्वारे में है, ना किसी किताब में है, ऐ इंसान वो तेरे अंदर है,
उस मालिक ने तुम्हें अपने रूप में बनाया है, इसलिए तुम्हारी सेवा करना, तुम्हारे दुख को दूर करना, या कोई ऐसा विचार कमज़ोर आ गया उसको दूर करना और आपको ठीक रास्ता बताना, जीने का राज बताना, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, वो मेरा काम है, वो मैं करता हूँ। और उसके बदले मैं ये कुछ नहीं चाहिए, ये पैसे मेरे सज्जन ने लिखे, ये मैं इनको कह रहा हूँ बार बार, इसकी रसीद काटो भाई, क्योंकि मैं तो जेब में डालता नहीं एक भी पैसा, मुझे चाहिए ही नहीं। बात समझ गए? मुझे मालिक ने, मेरे सतगुरु ने इतना दिया है, इतना दिया है कि शायद मैं वो डिजर्व नहीं करता। क्यों, फिर क्यों दिया? मैंने मांगा नहीं कुछ भी। जो मांगेगा वो भिखारी है, जो मांगता नहीं वो शहंशाह है। मैंने अपने माँ बाप की से कुछ नहीं मांगा, 18 साल की उम्र में उनके चरणों में गया हूँ और आज कितना हो गया हूँ मैं अपनी एज नहीं जानता, मैं नहीं बताता कितनी उम्र है मेरी, लेकिन मैं महसूस करता हूँ आई एम यंग लाइक 50। क्यों? क्योंकि मैं दुनिया को समझ गया कि दुनिया है क्या, मन की मारी हुई है। एक मन के ने मार लिया, दूसरा धर्म ने मार दिया, तीसरा जातियों ने मार दिया और पांचवा पार्टियों ने हमें खत्म ही कर दिया, राजनीतिक पार्टियों ने हमें बिल्कुल ही खत्म कर दिया, घरों में लड़ाई करा दी। अब समझ गए, पत्नी और पार्टी दी, ते पति और पार्टी दी, क्या लेना? मेरी बात सुनो, अब मैं आपको बताऊंगा कि घरों में झगड़े क्यों होते हैं, झगड़ों में माताओं झगड़े क्यों होते हैं, सुन लो मेरी बात को। मैं केवल बैठ जाओ बहनों, मेरी हो, मेरी को बात सुन लो। मैं सारे भारत में जाता हूँ, यूपी क्या, राजस्थान क्या, आपका ये मुरादाबाद, इधर बनारस क्या, लखनऊ क्या, सुल्तानपुर, आप समझ गए, इन इलाकों में मैं सारे जाता हूँ, हरियाणा में, बाहर भी, दूसरे मुल्कों में भी। लेकिन दूसरे मुल्कों में एक बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी खूबी है। पहली बात तो ये खूबी है कि वहाँ कोई पूजा नहीं करता, उनका सिद्धांत है वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है वहाँ। और इंग्लैंड क्या, अमेरिका में और कनाडा में, अब मैं इंग्लैंड भी जाऊँगा, एक लड़की ऑस्ट्रेलिया से आई थी, वो कहती बाबा जी अपना वीज़ा लगाओ, मैं तुम्हें पैसे ऑस्ट्रेलिया भेजूँगा और तुम उत्थे भी आना, मैं क्या आ जाऊँगा बेटी। क्यों झगड़े होते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमारे घरों में बेटे हैं, हमारे घरों में बेटियां भी हैं। बेटा बैठ जाओ, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मेरा लिंक टूट जाता है। हमने अपने लड़के को शादी कर दी, हमने अपने लड़के की शादी कर दी और उस शादी बड़ी शानो शौकत ना की जाती, करते ना पैसे खर्च कर देंगे, मापे कुड़ी ने मापे भी चलनी कर दे पूरा जोर ना, और फिर क्या जानता अज साडे घर लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई ना, बहू लक्ष्मी आ गई, बड़ी खुशियाँ मनाई जाती। फिर 6 महीने साल के बाद वो लक्ष्मी का रूप बदलने लग जाता है, वो लक्ष्मी नहीं बदलती, या तो सस विच कोई कमी है या फिर लड़की च कुछ कमी है, दो कमियां मैंने जज कर ली हैं जो मैंने देखी। पहली बात कि सासू माँ अपनी बहू को अपनी बेटी मानने से इनकार करती है, जो सस अपनी बहू नू अपनी बेटी बना लेगी उसको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं गारंटी से कहता हूँ। मेरी तीन बहुएं हैं, जब मैं उनको लाया एक एक को, मैं कहा अब आप मेरी बेटियां हैं, मेरी बहुएं नहीं हैं, और आज तक मैं उनको बहुएं मानता, बेटियां मानता हूँ, और सुबह उठकर वह मेरे पांव छूती हैं, मेरे कुछ प्यार खाना नहीं बनाती, मेरी बात समझ रही हूँ? मैंने प्यार दिया, मेरी पत्नी ने प्यार दिया तो वो मेरी बेटियाँ हैं। हमें मेरे घर में कभी कोई, आज तक वो दो दो बच्चों की माताएं हैं, उनके बच्चे
यूनिवर्सिटी से पास होकर नौकरियां भी करते हैं, लगे हुए हैं। बात मेरी समझ गए? राज क्या है कि पहले दूसरी लड़की को अपनी बेटी बना लो मेरी माताओं, एक बात। दूसरी बात, अब जो बहू आई है, मेरी बात को गौर से सुनना, मैं बड़ी ऊंची बात कर रहा हूँ। जो बहू आई है, अगर वो शादी के बाद अपनी सासू के साथ कम बात करती है और अपनी माँ के साथ ज़्यादा बात में रहती है और माँ के कहने पर चलकर वहाँ अपने घर को चलाती है, वो घर कभी सुखी हो नहीं सकता। मेरी बात को पकड़िया? जो बेटी शादी के बाद ससुराल में रहती हुई अपनी माँ के कहने पर चलती है, वो ससुराल में सखी नहीं रह सकती, वो सास को सुखी नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी डोर कहीं और है। इसलिए मैं माताओं को कहा करता हूँ, मेरी माताओं, बेटी की शादी कर दी, अब उनको कह बेटी मैं तेनु जन्म देता, ओ माँ तेरी सास्या ओदी जाके सेवा कर, तेनु सब कुछ मिलेगा। लेकिन होता क्या है, हो क्या रहा है, मैं क्या देखता हूँ। रात भी 10 बजे एक सज्जन आ गया मेरे पास, 10 बजे रात, खाना खा लिया था हमने, मैं कह इस वक्त क्यों आए, कहने से कल्याँ बात करनी है। वही कहानी, कहीं से टेलीफोन आ जाता है, महाराज मेरी जनानी मैंने छोड़ के, उस सवेरे एक बंदे ने मैंने 10 मिनट खराब किए हैदराबाद से, महाराज कोशिश करो मेरी जनानी ले आ दो, मैंने छोड़ के चले गए। मैं दस क्यों भाई क्योंकि माँ कोल चली गई, माँ ने कहा आ जा तू, मरन दे इन्हें, तू मेरे को आ जा। महापाप है, लड़की की शादी हो गई, अगर आपने उसको अपने घर में रखा, आप बहुत बड़ी भाग्य है, भाग्य पाप की भाग्यशाली है। उस लड़की को अपने घर में रखना जिसकी शादी कर दी गई, मैं बड़े कड़वे शब्द कह रहा हूँ मेरी बहनों, बुरा नहीं मानना, मैं हर सत्संग में ये बात कहता हूँ, मैं बैसाखी पर भी कहा हजारों लोगों में, माताओं तुम घरों को स्वर्ग बना सकती हो और तुम ही घरों को नर्क भी बना सकती हो। कोई नेता देश को नहीं बना सकता, कोई संत देश को नहीं बना सकता, कोई संत, अगर संत हो, इतने संत हो गए, कबीर साहब हो गए, ऐसा संत कहाँ हुआ दुनिया में? आपके यूपी में पैदा हुए या बनारस में पैदा हुए? क्या बनारस की दुनिया समझ गई? क्या दुनिया समझ गई उनकी वाणी को? मैं सुनाता हूँ आपको उनकी लिखी हुई कथा। कोई नहीं संत किसी को संभाल सकता, कोई नेता नहीं कर सकता, कोई धर्म किसी घर में शांति पैदा नहीं कर सकता, केवल माँ कर सकती है। माँ बहन वो कर सकती है। देश को अच्छी औलाद दो, नेक औलाद दो, अच्छे विचारों की औलाद दो। लेकिन करें क्या अगर अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में चक्रव्यूह की कहानी अर्जुन सुना रहा है और वो अंदर सीख गया कि चक्रव्यूह में अंतर कैसे करना है, और जब बाहर आना था तो उसकी पत्नी सो गई और युद्ध हुआ, उसने कहा कि मैं अंदर तो चले जाऊंगा लेकिन मुझे बाहर नहीं आना पता वो नहीं मैंने पता, माँ सो गई। अगर ये असर हो सकता है तो और सुना देता हूँ। हम आयू राजा हुआ है, वो हार गया शाहजहाँ से, मैं तो इतिहास पढ़ा सारा ना, तो मैं वो बात करता हूँ जो मैंने जब पढ़ी है जब देखी है। तो वो दिल्ली को छोड़कर भागा, राजा मालदेव था हिंदू, उसके घर में जाकर उसने शरण ले, तो उसके बच्चे ने जन्म लेना था, तो कहीं से हमायूं आया, उसने देखा तो उसकी जो पत्नी है ना जमीन पर ऐसे लाइनें कर रही है, बच्चे ने भी जन्म लेना है, ऐसे ऐसे लाइनें कर रही है। तो राजा ने पूछा बेगम तुम इतने परेशान क्यों हो, जमीन पर ये लाइनें क्यों डाल रही हो? कहती मैं परेशान नहीं हूँ, मैं ऐसा प्रण कर रही हूँ अपने बच्चे के बारे में, मैं अपने बच्चे के बारे में ऐसा सोच रही हूँ कि ये जो इतना बड़ा मैंने भारत बनाया है, इतना बड़ा भारत बनाया है जमीन पर, मेरा बेटा
इतने बड़े भारत का राजा बनेगा और अकबर बना, क्या कहा मैंने। तो अब ये मेरी बहनें जो हर वक्त टीवी देखती रहती हैं और ऐसे ऐसे सीरियल, ऐसे ऐसे डांस, क्या वो उन बच्चों पर असर नहीं होगा? होगा ना। इसलिए मैं कहता हूँ ये टीवी बंद करो। मेरी बहनें जो बच्चों को जन्म देने वाली हैं वो कोई अच्छी बात सुने, अच्छी किताब पढ़े, महापुरुषों के दर्शन करें तो मेरा देश समझ सकता है। अब बताता हूँ कबीर साहब क्या कहते हैं। मैंने बहुत कुछ कह दिया, अब क्यों हम दुखी हैं वो बता दें। पढ़ो। तन धर सुखिया कोई न देखा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। 600 साल पहले की बात कर रहे हैं कबीर साहब, आज तो 2022 जा रहा है, अब तो हालात और भी बिगड़ गए। वो कहते हैं जो शरीर में आया मैं किसी को सुखी नहीं देखा, सभी दुखी। कौन कौन दुखी है आगे पढ़ो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय उदय, सूर्य उदय हुआ, चलना किसी चीज का पैदा होना, ख्याल का पैदा होना, ये भी उदय ही है ना, और फिर छुप जाना। तो कबीर साहब कहते हैं उदय, अस्त, पैदा होना और अंत होना, सूरज का चढ़ना और सूरज का छुप जाना, एक आदमी का पैदा होना, आदमी का पैदा होकर मर जाना, वो एक दूसरा ख्याल का पैदा होना, फिर ख्याल का खत्म हो जाना। मैं बात समझ रहे हो आप। उदय अस्त इसको कहते हैं, किसी चीज का पैदा होना और उसके बाद उसको खत्म हो जाना उदय अस्त है। इस पैदा होने में और अस्त होने में जितना समय है उस समय में कबीर कहता है मैंने देखा कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं, ना ख्यालों में कोई सुखी है, ना जन्म लेकर कोई सुखी है, बस मरने तक भी हाय 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 लगी हुई है। मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ये नहीं होया वो नहीं होया। कोई बच्चों से दुखी, जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी दुखी, जिनके बच्चे हैं वो भी दुखी, जिनकी शादी हुई वो भी दुखी, जिनकी शादी नहीं हुई वो भी दुखी, मैं सबको मिलता हूँ। तो सुखिया कौन हुआ, कौन है? गुरु नानक साहब ने लिखा ना सुख बिच गृहस्थ दे ना ए छट गया। गुरु नानक साहब की बने आपने नहीं सुनी, मैं मतलब कहते गृहस्थ में भी सुख नहीं है और गृहस्थ को छोड़कर भी सुख नहीं है, तो वे सुख कहाँ है? गुरु नानक साहब ने खुद ही जवाब देता ना सुख बीच गृहस्थ दे ना ए छट गया, सुख है बिच विचार दे। काहे में सुख है? विचार करना, सोचना कि मैं तो कोई गलती तो नहीं हो गई, मैं घर बिच रहनी हाँ, मेरे मुँह तो कोई मेरे को गल होर दसा तो बाबा मेरे दादा अजय थे ना, दादे 105 साल होके मरे, मैं उन्होंने बाहर लजाया हों जाना हों बहर नहा के लिया उन्होंने, तो उन्होंने मैंने बड़िया गल् दसनिया बजुर्गों दल उदो कि टीवी सी ना, टीवी सी ना, ना ये सैलफोन था, ना ये रेडियो था, कुछ भी नहीं था, बुजुर्गों दल बस रात को कहानियाँ सुननिया, उन्हें कहना अच्छा तू हाँ करी जाई, हाँ बापू जल्द तू सौ गया मैं बंद कर देनी कहानी अस सौंदे नहीं सी उन्हें, क्यों बापू की गल बहुत प्यारी लगती है। कहते बच्चा एक लड़की की शादी बच्चे सुनना मेरी ध्यान ना कर अपनी गल दसना तुम पढ़ी पढ़ी पाठ नहीं करता मैं फिर बापू कहता वो जिसने शादी करके 7-8 दिन कुड़ी रही अपने सहुरे फिर
निके आँधी वापस डेरा पाके है ना। तो जिसल लड़की शादी तो 15-20 दिन बाद वापस आई तो उन्होंने वो माँ पूछती बेटी तेरी सस चंगी कहती माँ मैं चंगी गल आई खत्म हो। शाम को बाप आया बेटा तेरा सस तेरा सहुरा कितना ठीक है। हाँ बापू मेरा सहुरा बहुत बढ़िया मैं चंगी। फिर शाम को दादी माँ दादा आ गया सारे पूछते होंगे ना कुड़ी आवे घर वापस तो उन्होंने सारे पड़ोसी पूछते बच्चे तेरे सहुरे कितना ठीक है पति कितना ठीक है पूछते हैं ना। तो दादे ने पूछा हाँ दादा जी मैं ठीक। फिर आ गई दादी दादियाँ तो तुम्हें पता फिर पूरी गद कड़ियाँ और कुड़िए और तेरी दादी माँ कितना ससू माँ ठीक है माँ मैं ठीक हाँ। वो कहती खसम खानी है मैं तेन पूछा तेरी दादू सासी ठीक है तू कहनी है मैं ठीक है तो मैं ये मी दसन नहीं है कहानी मैंने तू सच दस कि ठीक है वो कुड़ी कहती दादी माँ तुसी मैनू प्यार दिता है तुसी मैनू संस्कार दिते हो जब मैं ही मिठा बोलना जब मैं ही जी कहना तो राजी रहना तो मेरे ना सारे ही चंगे आ जे मैं ही बुरी हो गई तो सारे ने बुरे हो जाना तो मैं ही जब सवेरे उठ के सारे ने पैर ही हाथ ला देना तो मेरे सिर पर हाथ रखे ही रखे नहीं रखे रीति है तू तो बहुत चंगी है चुप्पी पाली उन्हें बात समझ गया। ये मेरे दादे ने मैनू गल सुनाई मेरे दादा ने तो इन गल्लों तो पता लगता कि साडे बजुर्गों की कितनी सोच उच्ची थी साडी बहू बेटिया की कितनी आवाज़ उच्ची थी। तो इतने कबीर साहब की कहने कहने मैं सब कुछ देख लिया किसी को ना जन्म का पता ना किसी मरण का पता वो पिछड़ा थोड़ा जहा हिस्सा उन्हें भी रोक के गुजार रहे आह क्या फायदा जन्म लैन का। हसो खेडो मन का चाओ बात समझ गए। और बात कह देता हूँ गुरबाणी की बात उसमें लिखा गुरु गोबिंद नानक जी सतगुरु पूरा भेटिया पूरी पाई मत जदों गुरु मिल जाता ज्ञान जो तुम्हें दे रहा हूँ मैं सतगुरु पूरा भेटिया पूरी पाई मत हसंदिया खटंदिया पहनदिया पिछे पाई मुक्त लै हसो भी खेलो भी मस्त रहो ठीक है ना तो तुहानू मुक्ति अपने आप मिल जानी है। रोंदियां नू कित्थे मुक्ति मिलनी है जिहड़े सवेर नू भी रोंदे शाम नू भी रोंदे दिन नू भी रोंदे रात नू भी रोंदे कभी ओदी शिकायत कभी ओदी शिकायत ये कुछ जीवन है पशुओं से भी कुछ गिरा हुआ जन जीवन है। प्रेम से रहो प्रेम से रहो एक दूसरे के दुख को मानो तुम्हें कहा है वेद का मंत्र है दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो कि मेरे साथ भी कोई अच्छा व्यवहार करे। अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगे तुम्हारे साथ भी अच्छा व्यवहार होगा अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें क्या। मैंने कहा दुनिया में सुनो मैं आपको बात सुनाता हूँ कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है कोई तुम्हारा बुराई नहीं करता तुमने किसी को बुरा मान लिया तो वो बुरा है तुमने किसी को बुरा जिंदगी में नहीं माना वो कभी बुरा हो नहीं सकता। मैंने क्या कहा पत्नी ने पति को देखा उस पर कोई शक पड़ गई घर बर्बाद हो जाएगा और पति ने पत्नी के बारे में बुरा सोच लिया तो भी घर बर्बाद हो जाएगा। मेरी बात समझिया विश्वास हमारा बंधन क्या है प्रेम का विश्वास। विश्वास से रहो कभी किसी पर भ्रम न करो भ्रम करोगे आप जल जाओगे अंदर से खत्म हो जाओगे। कभी भ्रम न करो किसी पर भी भ्रम न करो। और भ्रम की मिसाल दे देता हूँ हमारे मीराबाई को जहर दिया गया कि ये अमृत है ये भेजा तेरे मालिक ने तेरे गिरधर ने कहते अच्छा प्रसाद है ले आओ गटगट करके पी गए इतना बड़ा विश्वास। मेरे सतगुरु बाबा की यही कहा करते थे और कुछ सीखो
पढ़ते ही हो, पढ़ो सीखो भी कुछ, तुम भी अपने विश्वास को क्यों नहीं पक्का कर दे। तुम्हारा विश्वास दूसरे आदमी को बदल सकता है, ये भी मैं कह रहा हूँ आपको। तुम्हारा प्रेम दूसरे को बदल सकता है, तुम्हारी नफरत नहीं बदल सकती ना। तुम नफरत को नफरत से काटोगे नहीं कटेगी, तुम नफरत को प्रेम से काट दो कट जाएगी, फिर तुम्हारा कोई शत्रु नहीं। ऐ इंसान, तेरा मन ही तेरा दुश्मन है, तेरा मन ही तेरा मित्र है। इसको संभाल ले, अपनी जबान पर कंट्रोल कर, अपनी आँखों पर कंट्रोल कर, अपने कान पर कंट्रोल कर, तेरी जिंदगी सुखमय हो जाएगी। अब देखो कबीर साहब ने सारी दुनिया में नक्शा बाद में क्या कह दिया, वो सुना देता हूँ। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, कोई घाटे ना दुखी है, कोई बातें ना दुखी है, किसी का नुकसान हो गया तब दुखी है, किसी का लाभ हो गया कहना होर क्यों नहीं लाभ होया, मैं तो इन्नी उम्मीद रखी सी ना। सबर नहीं है, सबर में बहुत बड़ी ताकत है। सबर क्या है? सबर रोटी का भी सबर। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने कहा, डोंट लिव टू ईट, अंग्रेजी में केवल खाने के लिए मत जियो। डोंट लिव टू ईट बट ईट टू लिव, केवल उतना खाओ जिससे शरीर ठीक रहे, ज्यादा खाओगे बीमारी आएगी, बात समझ गए। थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ, साध संग में जा तेरे भले की कहूँ, ऐसे कहा गया है संतों ने। आगे पढ़ो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या रही बे रागी हो, कोई नहीं सुखी। आगे पढ़ो। जोगी दुखिया सुख दे उचार जी, दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। सुखदेव एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, ऋषि उन्होंने कहते हैं जन्म से पहले ही माया को छोड़ दिया था। माया पता क्या है? ये सारा संसार काल और माया में है। काल क्या है? समय, वक्त। और माया क्या है? हमारा ख्याल। समय के मुताबिक हमारे मन में ख्याल बदलते हैं, बदलते हैं ना। जैसा समय हो, समय के मुताबिक हमारे ख्याल बदलते हैं। समय में घटने वाली हर घटना का हमारे मन पर असर होता है, होता है ना। तो इसलिए वक्त ने हमें काबू किया हुआ है, समय ने, और समय के मुताबिक हमारे अंदर ख्याल पैदा होते हैं, और उन ख्यालों के मुताबिक हमारा जीवन बनता है, ख्यालों के मुताबिक हमारा जीवन बनता है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं कि हम जो हैं समय से प्रभावित ना हो। वक्त आया और चला गया, वक्त आया और चला गया, जो आज है वो कल को नहीं होगा, जो कल होगा परसों को नहीं होगा। मैं यहाँ हूँ जितनी समय के लिए हूँ, यहाँ का माहौल और है ना। जब मैं चले जाऊँगा तो यहाँ का माहौल और होगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो समय के मुताबिक हालात बदलते हैं, उस हल बदलते हो नात में आप क्या प्राप्त करते हैं? पॉजिटिव ख्याल, अच्छा ख्याल। और अच्छा ख्याल कैसे आएगा? एक विश्वास से आएगा, वो विश्वास मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग ये अटल विश्वास कर लो कि जो कुछ हुआ आज तक मेरे भले के लिए हुआ। पहली बात, आज तक जो हुआ मेरे भले के लिए हुआ, और जो आज हो रहा है वो भी मेरे भले के लिए हो रहा है, बात समझ रहे हो। दूसरी बात, ये गीता की सार है, ये गीता का सार बता रहा हूँ। जो आज हो रहा है उसमें भी मेरा ही भला है, और जो आगे होगा उसमें भी मेरा ही भला होगा। जब तुम्हारा ये विश्वास बन जाएगा तो तुम्हारा कभी बुरा होगा ही नहीं, बस।
इसको आजमा के देखो, इस सब को पक्का कर लो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, तुम्हारा बुरा हो नहीं सकता। कहता है बेटी मैं सोचो विचार करो, तुम्हारे विचार ने तुम्हारी दुनिया बनानी है। दुनिया है क्या? ख्याल। ख्याल किससे बनता है? जो हम खाते हैं भोजन से बनता है ना, जैसा खाइए अन्न वैसे बना मन। तो अगर हमारा खाना ठीक नहीं है तो मन भी ठीक नहीं बनेगा। हकलाल की कमाई नहीं है तो मन कैसे ठीक हो सकता है? मेरी बात समझ रही हो बेटियों? तो हकलाल की कमाई से मन शुद्ध रहता है। जो 420 काहे के लिए 420 कर ले, काहे के लिए झूठ बोलना, क्यों बोलना झूठ? धत्तों ने तो कह दिया, जाके हृदय झूठ है ताके हृदय पाप। बड़ी गल, पाप किसको है? झूठ में, झूठा बोलना। सत्य कुछ और है, झूठ बोलना। जाके हृदय झूठ है ताके हृदय पाप, जाके हृदय सच है ताके हृदय आप। तो सच्चे बोलो, अपने प्रति भी, दूसरों के प्रति भी, और उस मालिक के प्रति भी। उन्हें सानू छाती ना लाना तद ही है जब असी अंदरों साफ होवांगे। अगर अंदरों साफ नहीं है तो जमदूत चल वापस जन्म ले, पता नहीं कितना का रूप मिलेगा। एक इन्ना सोहना रूप मिलेगा फिर पता नहीं की बन जाना। इस करके मालिक से डरो, उसका शुक्र करो कि हमें पूर्ण बनाया, हमारा शरीर ठीक है, हमारे अंग ठीक है, पांच कर्म इंद्रियां ठीक है, पांच ज्ञान इंद्रियां ठीक है, मन ठीक है, चित्त ठीक है, बुद्ध ठीक है, तो बाकी सब कुछ ठीक है। क्या कहा मैंने आगे? जोगी दुखिया जंगम दुखिया तपसी को दुखे दुना। ये सारे दुखी है, जोगी ले लो, जंगम ले लो, तपस्वी ले लो, साधु ले लो, संत ले लो। मैं तो सारिया का ही हाल देखा बच्चियों, मैं तो इन्हें सारिया का ही हाल देखा। किसी को रोटी भी पई वो मंगता फिरदा, कोई कहता कपड़ा दे दो, कपड़ा है नहीं जी, कोई कहता जुत्ती है नहीं, बाबू जी मैंने जुत्ती दे दो। तो वो की है फिर, जे हक्का लाल की कमाई खान जुत्ती भी मिल जानी। मेहनत करो, हमें शरीर मिला है काम करने के लिए, हमें कर्म इंद्रिय मिली है काम करने के लिए, हमें ज्ञान इंद्रिय मिली है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये जरूरी नहीं हमें कुदरत ने सात पांव दिए, किसी और को नहीं दिए। कोई है और जानवर जीवन भोग रहे हैं, वो अपना कर्म भोग रहे हैं, हम नहीं भोग रहे। हम कर्म कर सकते हैं, हम आज़ाद हैं काम कर्म करने के लिए, लेकिन कर्म वो करो जिससे दूसरों का भला हो। और मैं कहा करता हूँ, अगर तुम्हें कोई काम मिला, उस काम को ये समझो कि ये मालिक का काम है, मेरा नहीं। मैं यहाँ आया हूँ, बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं अपने गुरु का काम कर रहा हूँ, मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा हूँ, मैं अपने गुरु की वाणी आपको दे रहा हूँ, ताकि कहीं आपके मन में, इस दिमाग में कहीं एक विचार बैठ गया, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए। बात समझ गए? ज़िंदगी तो ख्याल ने बदलनी है, ख्याल सत्संग में बदलेगा, बाहर तो बदलेगा नहीं। आपका ख्याल टीवी ने तो बदलना नहीं, वहाँ तो मनोरंजन है और कुछ नहीं। बात समझ गए ना? तो इसलिए अगर रामायण होती उसमें लड़की सीता का रोल प्ले करती है, क्या वो सीता है? नहीं, वो सीता बन ही नहीं सकती, रोल कर दिया उसने। इसलिए बात को समझो, कोई दुनिया में सुखी नहीं है। कौन सुखी है? आगे पढ़ो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया तपसी को दुखे दूना हो, आशा त्रिसरा सबको व्यापे, आशा त्रिसरा सबको व्यापे, कोई महल न सुना हो। किस बात का है? क्यों पैदा होता था? हमें ये विश्वास नहीं आया
कि हमारा मालिक, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमारा मालिक मेरे अंदर का जो इंतजाम कर रहा है ना, कोई अंदर है ना, वो मेरे सारे अंदर का इंतजाम अगर कर रहा है तो क्या बाहर में वो नहीं कर रहा? मेरा ये विश्वास है कि अगर वो सारा इंतजाम मेरा अंदर में कर रहा है तो मैनू बाहर की कादी चिंता। ओह क्या कहा मैंने, आशा तृष्णा सब जग दुखिया, लेकिन दुनिया ने अपनी आशाओं को बढ़ाया हुआ है, अपनी तृष्णा को बढ़ाया हुआ है। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, क्या है, इतना पेट है हमारा, मुट्ठी जितना, बस इससे ज़्यादा अंदर कुछ नहीं जाएगा। बात समझ गए? मैं ऐसा विश्वास, मेरी मैं ख़त्म हो गई, मैं क्या कहूँ, कौन क्या हूँ, कुछ भी नहीं। मेरे अंदर के करने वाला कोई और है और मेरे बाहर का इंतजाम भी वही कर रहा है, वही मुझे खींच कर यहाँ लाया गीता के घर में। चल पिता के घर चल, बहुत तेरे इंतजाम हो रहा है, अभी कितना खर्च किया है बेटी है, मैं इसको अपनी बेटी कहता हूँ, मेरी बेटी है, मेरी बात समझ गए ना। तो ये सारा खेल कौन कर रहा है? मैं लाली जाऊँगा आज शाम को, कल वहाँ सत्संग है, तुझे मैं होका दे रहा हूँ। होका जानते ना, सब्जी ले लो, गोभी ले लो, बैंगन ले लो, मैं कहना गुरु का ज्ञान ले लो, गुरु का ज्ञान ले लो, गुरु तो जीन का रास्ता सीख लो, और छोड़ दो मन दे भ्रम सारे, ये छोटो झगड़े, छोटो लड़ना, छोटो ईर्षा, छोटो द्वेष, बुरी बातें छोड़ो, अपने अंदर जाओ, अपने अंदर नूं देखो, तुसी कौन हो, तुसी रब दे बच्चे हो, तुसी उस मालिक की औलाद हो। चाहे मेरी भैन है, चाहे कोई बच्चा, चाहे आदमी, असी उत्थे जाके सारे इक्को ही हैं, इक्को ही हैं सारे। मैंने बता दिया, हमारे अंदर प्रकाश भी है, हमारे अंदर सुरत भी है, हम दो सभी एक ही हैं, बाहर फर्क पा लिया हमने। कोई कहता मैं हिंदू है, कोई कहता मैं मुसलमान है, कोई कहता मैं सिख है, कोई कहता मैं ईसाई है, ये किन्हें किया, किन किया है? स्वार्थी लोगों ने, जेड़े अपना ढिड भरना चाहते, बस और कुछ नहीं। तुम शहनशाह के बच्चे हो, मैं अपने आप को मानता हूँ, मैं शहनशाह का बच्चा हूँ, मैंने कभी ना कुछ मांगा है, बल्कि मैं देता हूँ, मांगा नहीं, और मुझे मेरा मालिक सब कुछ दे रहा है, क्योंकि मैंने मान लिया कि जो मेरे अंदर का इंतजाम कर रहे हैं मेरा बाहर भी वो करता। मैनू कहीं चिंता, मैनू कोई चिंता क्यों करूँ, चिंता किस बात की चिंता करूँ, मैं रोटी खा के चिंता करता मैं सौन लगा चिंता करता, मैं सौ जाऊँगा, नींद अपने आप आँदी है, जरा चिंता करता हूँ तो नींद आँदी ही नहीं, वो कभी ऐं करूँगा, कभी ऐं करूँगा, कभी ऐं करूँगा, उन नींद क्यों नहीं, क्योंकि चिंता है। जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुमको ध्यान हो, उस वक्त के गुरु को याद करो कि मेरा गुरु है, जिन मर्जी बना लो गुरु, मैं नहीं ऐसे कहना, जो अगर किसी देवी नु मन दे तो एक नु मनो, एक को, दो को नहीं। मैं इतों चल पाए पंजाब नु, ते चलो पहले नैना देवी चलो, फिर वैष्णो देवी चलो, फिर ज्वाला जी चलो, फिर चिंतपुर्णी चलो, तुहाडे पल्ले की पे कुछ भी नहीं ना, दो जगह तीन जगह घूमने की, एक जगह सिर झुका दो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। एक को पकड़ लो, जिसको भी मानते हो, मैं किसी देवी देवता का खंडन नहीं करता हूँ, होंगे मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं, जिन्होंने विश्वास किया विश्वास करो, होंगे वो तो विश्वास करो, फिर है वो, मेरी समझ गया। पत्थर में विश्वास कर लिया धन्य भगत ने, धन्ना भगत सगा उन्होंने पंडित ने रोज़ कह महाराज पंडित जी मैनू भी ठाकर दे दियो, मैं भी पूजा करा, धन्ना भगत सगा ना जट सगा सीधा सारा, कहिंदा लै रोज़ ही मेरी आके जान खांदा, पहले दान तो कर कुछ, कहिंदा पंडित जी दसो मैनू फिर ठाकर मिल जाएंगे, हाँ
लिया गां अपनी दुध वाली लिया के गां बन दी गला पंडित जी मैंने ठाकर दे दी। उन गुस्से जाके एक पत्थर पाया से घर के बेड़े कह ठाकर कहना पंडित जी भोग मैं इन भोग मैं ला सकता तुम रोज भोग लाते हो इन्हों खाना भी खिलाते हो पर्दा करके नहलाते भी हो मैं भी नहलाऊंगा मैं भी पर्दा करूँगा मैं भी रोटी इन्हों खिलाऊंगा तद रोटी खाने लै गया घर जाके जगह बनाई पत्थर रख दिता नहला नहलू के उसे चादर भी पाती आ गई रोटी कहना भोजन करो महाराज पंडित जी भोजन करो महाराज तुसी पंडित जी का तो भोजन बड़े खाते हो मेरे को साग है अ तो मक्की की रोटी है ही खिलानी पैनी है खाओ वो पत्थर कितने बोले कहना अच्छा लै फिर मैं भी नहीं खानी क्योंकि पंडित तेन रोटी खवा के खाता बह गया एक दिन निकल गया दो दिन निकल गया वो बेचारे लोग घर वाली परेशान वो ले आई पंडित जी की कर दिता मेरे पति अंदरों नहीं निकल दे वो कहते पागल हो गया ये पागल हो गया कहनी मेरे पति तुसी पागल कह रहे हो नाले उन्होंने भगवान देता नाले उन्होंने दसते है नहीं भी कितना पूजा करनी है ना। तीन दिन हो गया चार दिन हो गए मैं नहीं रोटी खानी पहले तू खा फिर कहते हाथ निकले ले लिया खा कहते इदा नहीं मैं दस उठ के बैठ के दस मेरे ने खा मैं तेरे मुँह च पानी है फिर भगवान प्रकट हो गए फिर उन्होंने रोटी खिलाई फिर वो जान लगे मैं जावा हूँ कहानी है सच्ची कहानी है कल हूँ कितने जाना मैं कला है चल चलिए खेतर चल के तू हल चला तो मैं खूह इन्ना बांध लिया उसको वो भगवान नहीं था उसका अपना मन था मन ही सारा काम करता ना। तो जिसमें भी तुम्हारा विश्वास है एक में रखो। मैं 18 साल की उम्र में महाराज जी के बाबा फकीर जी के चरणों में आया पहले दिन से मुझे विश्वास हो गया क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा खेल खेला जिससे मुझे पता लग गया कि वो तो मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं आऊँ मैं आ जाऊँ मैं आया मैं सिर पर रख दिया सिर पर आओ मैं रख दिया पहले दिन ही सारे काम पूरे हो गए। आज तक मैं नहीं किसी को मानता बच्चों इसने पढ़ा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मे श्री गुरु दे नमा गुरु से परे कुछ भी नहीं है। और गुरु देता क्या है गुरु ज्ञान देता है हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड इस दुनिया में जीना कहाँ है नंबर दो जीने के बाद हमने जाना कहाँ है ये दो चीज़ें बताता है गुरु। तुम वही जाओगे जहाँ से तुम आए हो। गुरु के शिष्य के लिए ना कोई जमराज है ना कोई धर्मराज है वो जहाँ से आया वही वापस जाएगा। तो ठीक है आगे सच कहो तो कोई न माने सच कहो तो कोई न माने झूठ का कबीर साहब कहते मैं सच का रौला पाना मैं सच्ची बात कह रहा हूँ कोई नहीं मनने तैयार ये झूठी गल मैं कह नहीं सकता मैं झूठ बोल नहीं सकता लोग सच सुन नहीं सकते तो मैं क्या करूँ आखिरी लाइन फिर कर दो क्या कहते हैं सच कहो तो कोई न माने झूठ का महेश्वर दुखिया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये आए चलाई हो ब्रह्मा भी दुखिया विष्णु भी दुखिया और शिव भी दुखिया तीनों दुखिया क्योंकि उन्होंने बंधन में बांधा हुआ है। ब्रह्मा दुनिया पैदा कर विष्णु दुनिया का पालन कर चल शिव तू दुनिया का संहार करी जा ये पैदा करी जाए तू संभाल करी जाए तू बाद में उन्होंने खत्म कर दे चल न खेल खत्म हो गया सब दुखी है बंधे हुए हैं वो तड़प रहे हैं कि कहीं हमें भी मानव रूप मिल जाए हम भी भगवान का भजन करें और वापस घर जाएं लेकिन वो नहीं जा सकते। इसलिए संतों ने कहा देवता
देवियाँ सभी मालिक को प्रार्थना करती हैं कि हमें भी दुनिया में मानव का रूप देकर भेजो। हम भजन करके इस देवीपन से, इस देवतापन से छुट्टी पाकर आपके वापस आ जाए, लेकिन उनको जन्म नहीं मिल रहा। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें जन्म मिला। और फिर कलयुग में मालिक बहुत जल्दी मिल जाता है। सतयुग त्रेता में हजारों साल भक्ति करते थे ऋषि, जंगलों में बैठे मिट्टी बन गए, पता नहीं उनका क्या बना। लेकिन हमें गुरु मिला तो सब कुछ मिल जाएगा। क्या कहा मैंने आगे? भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीत, राजा भी दुखी, भिखारी भी दुखी, सब दुखी। आगे अवधू दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीत हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत क्यों सुखी है? उन्होंने मन को समझ लिया और मन को अपने इंतजार कर लिया। कैसे? नाम के सहारे। ना जब मालिक को कोई नाम से याद करो तब मन कंट्रोल में आएगा। संतों ने मन को समझकर उसे अपने कंट्रोल में कर लिया, वो मन के पीछे नहीं लगे, तभी सुखी हो गए। तो जिसका मन पर कंट्रोल नहीं है वो सुखी कैसे होगा? तो मन को कंट्रोल करने के लिए संत महापुरुषों ने कहा तीन चीजें हैं। सतगुरु, सतगुरु की संगत और सतगुरु का नाम, तीन चीजें तुम्हें अगर मिल गई, अगर कोई संत मिल गया मेरे लिए जिसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, उसकी संगत करो और उससे राय पूछो कि महाराज बताओ मैं क्या करूँ, कैसे जीऊँ, वो एकदम तुम्हारा दुख दूर कर देगा कि बच्चा ऐसे नहीं, ऐसे जीवन गुजारो तुम सुखी हो जाओ। बात समझ गए? भाई को भाई के रूप में, बहन को बहन के रूप में, बेटी को बेटी के रूप में, पत्नी को पत्नी के रूप में, और शादी हो गई तो ससुर माँ माँ बना लो, और जो माँ वो है उसको माँ बस मैनू हो तू सलाह नहीं देने, तै मैनू पाल दिता, तै मैनू बड़ी बना दिता, तै मेरा ब्याह कर दिता, हूँ मेरी माँ वो मैं तो वो दे कहने लग गया। तो फिर उस माँ को भी चाहिए, उस सस को भी चाहिए कि उन्होंने अपनी बेटी बना ले, घर स्वर्ग बन जाना। जो ना बने तो मैं बैठा गीता तो टैलीफोन लैंना, मैंने टैलीफोन करो बाबा असी तो बड़ा कुछ किया पर साड़ी माँ तो सस बड़ी बिगड़ी हो, मैं आपे ठीक कर दूंगा। क्या काम है? बात समझे? तो मन को जीतो, अपने आप को बोलने से पहले सोचो क्या बोलना क्या नहीं बोलना, और वाणी प्रेम की बोलो। दिन प्रेम कियो दिन ही प्रभु पायो, जे प्रेम का सौदा है। तो मैंने बहुत कुछ आपको कहा, बहुत कुछ कह दिया। अगर कोई मेरी जबान से ऐसा शब्द निकला हो जिससे आपको आपके मन को ठेस लगी हो कि मैंने गलत कहा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरा मन साफ है, मैं चाहता हूँ तुम सुखी हो जाओ। मैं अगर अगले साल आऊँ तो मुझे पता लगे कि तुमने एक सत्संग सुना था, उसका आप पे ऊपर असर हुआ, तब तो मुझे आनंद आएगा। बात समझिए? तो गीता जी ने तो रोटी भी तैयार की, मैं लगता मैंने खुशबू आ रही है ना, तो लंगर भी तैयार किया है। हम देखो तो तुम इनू मिलूगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, ये तो मन की खुराक भी दे रही है, पेट की खुराक भी दे रही है, डबल कम कर लिया दोनों ने, तुम्हें बीवी ने, देखो तो भाग्यशाली हो, सुखी रहो। मेरा आप दोनों को बहुत बहुत प्यार, थोड़ी जोड़ी सलामत रहे, तुम सुखी रहो, तुम्हारी बहुएं सुखी रहे, उनको तुम्हारा प्यार मिले, उनके बच्चे होनहार हों, इससे परे बेटे मेरे पास और कुछ नहीं है। आप सबके लिए बहुत बड़ा प्रेम भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, जन्म शन की मतलब।